नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आपको बता दें कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का समय आप शिव के जुन काल में आपको ऐसी खुशखबरियां देंगे कि दोस्तों लंगड़ा भी सुनकर नाचने लगेगा। जी दोस्तों, ऐसी स्थिति आप शिव के जुन काल में उत्पन्न होने वाली है इन 10 दिनों के समय अवधि में। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन सभी के लिए आपको कुछ कार्य को करने से बचने होंगे और कुछ क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान भी रहने होंगे। जी दोस्तों, कि दोस्तों आपके राशि के साथ ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य को आप करना पसंद करते हैं, जिन कार्य में आपको मन लगता है आप उस कार्य के ऊपर अग्रसर होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बुरे आत्मा के लोग, यूँ कहें तो कुछ अत्रुत आत्माएँ वाले ऐसे व्यक्ति जो कि आपके ही संगति में रहकर आपका नुकसान करते हैं, आपके अच्छे राशि व भटकाने का प्रयास करते रहते हैं। जय दोस्तों, और आप भी उनके झांसे में आ जाते हैं क्यों दोस्तों, आप उनकी पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए गलत है। जय दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों अगर आप इन्हें अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर जो खुशखबरियाँ आपके जुन काल में हैं उन्हें आप पाकर रहेंगे। क्यों दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगे कि आने वाले 10 दिनों की जो समयावधि होगी इनके हर पल आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी होंगी, कौन कौन क्षेत्रों में आपको लाभ होंगे और किन किन कार्यों को करने से इसमें आपको बचने की अत्यंत आवश्यकता होगी। घरों की बदलती चाल, आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या बदलाव करेंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और अपनी माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण परिवार व फिर सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाकर रखने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। पारिवारिक सदस्यों तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध और अधिक बेहतर बनेंगे। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में भी प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बात का यश में ध्यान रखें कि कहीं भी आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही होने वाला है। और दोस्तों इसके उपरांत आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य में यश में रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर टेंशन भी रह सकती है, परंतु दोस्तों यह जो समय है आपके लिए धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि अंतिम समय पर काम संबंधी कुछ गड़बड़ होने की वजह से यश में आपकी भागदौड़ अधिक हो सकती है। दोस्तों योजना के अनुसार बातों में प्रगति देख पाना यश में थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपके विचारों में सरलता और स्पष्टता लाने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों निजी रिश्तों में संतुलन न बन पाने की वजह से आपको व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी पुरानी योजना को क्रियान्वित करने का उचित समय आ गया है, और यह समय बहुत बड़ी दुविधा भी आपकी दूर होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी आप समाधान निकाल पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किसी आत्मिक स्थल पर भी आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में दूसरों के मामलों में बिना मांगे सलाह ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो दोस्तों स्वयं ही आप मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वभाव में ईगो और गुस्से जैसी स्थिति न आने दें, इसकी वजह से कई बनते काम यश में बिगड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी भी संबंध को मधुर बनाकर रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि मानसिक रूप से परिवार के अधिक करीब महसूस करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर पाने की वजह से परिवार के लोगों का भी आपके प्रति आदर और विश्वास बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार संबंधी तकलीफों को दूर करने के लिए आप कामयाब रहेंगे। छोटे भाइयों या फिर बहनों को आपके मार्गदर्शन की यश में आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आर्थिक स्थिति यश में बेहतर रहेगी। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात होने वाली है तथा विशेष मुद्दे पर भी लाभदायक विचार विमर्श भी यश में हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ
बच्चों की समस्याओं पर भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर भूमि बेचने संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में उसे स्थगित रखें, अभी समय अनुकूल नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मित्रों के साथ मेलजोल बना रहेगा। घर में अचानक से मेहमानों के आने की आशंका भी लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि ये जो समय है आपके लिए भाग्यदायक कारक भी रहेगा। आपकी वाक्पटुता तथा कार्यशैली में जो भी लोग हैं वो प्रभावित होंगे और दौड़ धूप तो अधिक रहेगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि कार्यों की सफलता आपकी थकान को यश में दूर करने वाली है। तो दोस्तों यश में ध्यान को केंद्रित रखें, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी यश में संपन्न होंगे। घर में भी अत्यधिक और सकारात्मक वातावरण भी बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में कीमती चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखें या फिर अपने कीमत को अवश्य पहचानें। उचित समय पर काम न करने की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें यश में बच्चे के भटकाव की वजह से पढ़ाई पर से ध्यान भी हट सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का आप यश में विशेष ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ आपको बनानी होंगी। लंबित मामले जो है निपटाने के लिए यह भी समय जो है उचित समय होगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पुराने मतभेद समाप्त करने के लिए करने में आपका विशेष सहयोग जरूरी होगा। और दोस्तों नौकरी में भी तरक्की संभव है तथा लाभदायक स्थिति भी बन रही है। दोस्तों यश में आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में कोई दुविधा होने से भाइयों अथवा नजदीकी मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों उनकी सलाह से आप कई परेशानियों से निजात भी पा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी भी गैरकानूनी काम अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यावसायिक मामलों में पेशे के लेन देन को लेकर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। काम के दबाव के कारण कभी जो भी आप खुद को फंसा हुआ महसूस भी करने वाले हैं, परंतु दोस्तों ये जो समय है आपको मेहनत आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और आप अपने मेहनत से बेहतरीन सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्द ही तरक्की भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश समय प्रतिस्पर्धा के माहौल में बहुत अधिक मेहनत तथा समय लगाने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपकी योजनाएं और फिर कार्यशैली आपके लिए व्यवसाय को और अधिक जो है प्रगति प्रदान करने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपनी फाइलें तथा दस्तावेज जिसमें पूरी तस्वीर संभाल कर रखें, ये आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी आपसे सहयोग द्वारा घर की किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों के साथ भी कोई फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके जीवन साथी के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आपको सहयोग घर के वातावरण को उचित बनाकर रखेगा। तो दोस्तों यश में आप अपना सहयोग जरूर करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी का आपके मुश्किल समय में पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास तथा आत्मबल में भी और अधिक वृद्धि होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आखिरी में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दवाइयों का बजाय योगा व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को यश में आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यश में आपको इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा अंत में, परंतु आपको वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर अपने स्वास्थ्य को और भी आप अति उत्तम बना पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी भी तरह की चिंता आप ना करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर रहने वाले हैं।